मजीदपुरी है, मेरी बेनती है क्योंकि प्रोफेसर साहबान ने कोई मंच पर शरीफ लेके आऊंगे नाल ही बैठ साढ़े सीनियर फैलोशिप विजेता मिनिस्ट्री ऑफ काउंसल वालों पाली खारून जिन्होंने इस बारी उन्हें थोड़े दिन पहले ही फैलोशिप मिली है, बधाई भी है ना पंजाबी लोकधारा नाल जुड़े हुए ने, पंजाबी लोक साजा नाल गजल भी लिखते हैं बहुत वधिया पाली खारून जी। पिछों मैं पिछली लाइन में सारी बेनती कर रहा कि जो मुरली लाइन पर आ जाओ सारे आ जाओ, डॉक्टर हरीश जी, नरेंद्र बोहा जी, पिछली है पहली तो पिछली पहली तो पिछली उस तो पिछले अगे अगे आ जाओ थोड़ा ही फर्क पड़ू। हाँ अंजना मैं तो आ उस तो अगे आ जाए साढ़े इस समागम के पहुंचिया शख्सियतों में साढ़े इस प्रोग्राम के कन्वीनर गुरसेव सिंह धौला जी जो कि पंजाबी लोकधारा फेसबुक चैनल चलाते हैं, इहदे हजार ही मैंबर हर रोज़ लोकधारा दी नवीं नवीं गल्लां उहदे विच हुंदियां ने, लोकधारा दे मेले भी लाउंदे ने, इस प्रोग्राम के भी कोआर्डीनेटर ने गुरसेव सिंह धौला जी। जिवें सारे की हाजरी ला रहा जिवें जिवें नाम पंजाबी आलोचक साढ़े निरंजन बोहा जी वो भी पहुंचे ने, सुरजीत कलसी पंजाबी कहानीकार, डॉक्टर सुरेंद्र पठल पंजाबी शायर ते आलोचक, सरदार महेंद्र सिंह जी राही जो कि वधिया खोजी भी ने ते काफ़ी सरगर्म ने अजकल वातावरण प्रेमी भी ने, पंजाबी शायर रामचूर शर्मा जी, मुल्क सिंह पिपली जो कि जिला सिरसा के वक्तों विशेष तौर पर पहुंचे है जी, ए कहते हैं पाल सिंह जी लहरी, राजविंदर सिंह राजा पंजाबी कहानीकार जिन्होंने अगला अवार्ड जोड़ा है वह मिलना है रामसूर पड़की अवार्ड, साढ़े पत्रकार मनदीप कौर भदौड़ जो कि पहला कविता पढ़ के गए ने, मालविंदर शायर जी, गुरप्रीत गैरी, मीत प्रधान ने जो रामसू अंखी सह सभा के, रघुवीर सिंह कट्टू पंजाबी बोलियां के बादशाह, जसप्रीत कौर बप्पू पंजाबी शायरा, अंजना मैनन जो कि स्थापित पंजाबी शायरा हैं ते नाल ही संस्था दे नूं भी चलाउंदे ने एक जो कि सिरजना मंच इन्होंने बनाया है बरनाले, अमनदीप धौला वित्त सकत्तर ने साडे रामसू अणखी सह सभा दे, तरसेम सिंह रिटायर्ड इंस्पैक्टर पंजाब पुलिस जो कि ट्राइडेंट दे विच ही ने वह भी पहुंचे हुए, अशोक भारती जी, सुरेश बंसल जी जो कि ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल धौला चलाते हैं, उन्होंने ऋषभ जैन जी दोवें मैनेजमेंट कमेटी जी ने, चरणजीत धौला जी जो कि ट्राइडेंट के बच्चे ने, होर साढ़े सज्जन जिहड़े पहुंचे हैं उन्होंने लक्ष्मण दास मुसाफर जी, डॉक्टर हरीश जी जो कि वधिया आलोचक भी ने कहानीकार भी ने, भुपिंदर मान जी जो कि पंजाबी कहानी मंच पंजाब दे कन्वीनर ने, होर भी
पुस्तक मेलों का आदाद करते हैं बहुत कई थाव वधिया कहानीकार नावलकार ने पहुंचे ने जी आया अमरजीत सिंह मान जो कि खुद मौड़ा तो कहानीकार ने इतने पहुंचे ने सारा की हाजिरी लाता हुआ हूँ साढ़े जगजीत गुरु जी जो कि गजल मंच के प्रधान ने वो भी अपनी हाजिरी लवा रहे हैं धन्यवाद जी आया डॉक्टर तेजा सिंह तिलक जो कि पंजाबी साहित्य सभा के प्रधान हैं उन्होंने भी असं जी आया कहते हैं। हूँ मैं गुरसेवक सिंह धौला जी तो गुरप्रीत गैरी जी अमनदीप जी को बेनती करना कि वह गुलदस्ता दे के मंच से आप प्रोग्राम की शुरुआत करिए। केसरा राम जी को गुलदस्ता अपने करना है धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। सारे ही साढ़े वेले जिन्हें पहुंचे हो तुम सारे ही प्रधानगी मंडल के शामिल है क्योंकि हाल ही एडा कह के बहुत आप मंच से बंद बिठा नहीं सकते पर साढ़े दिलों के थोड़ी जी थान है वो किसी प्रधानगी मंच तो घट नहीं। हूँ मैं राम स्वरूप पंखी साहित सभा के प्रधान बेअंत वाजपाई जी को बेनती कर रहे हैं कि वो स्वागती बोल थोड़े तो साझी कर इस तो बाद आप अगला प्रोग्राम शुरू कर बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम स्वरूप पंखी साहित सभा धौला वालों मैं अच्छू जी आई नू आखा कि समागम असी पहला 25 जून करना सी ते बेदी साहब अजकल कॉलेज अपन समागम निभा रहे थे छुट्टियां नहीं सी ते बाकी मे भी सारे छुट्टियां चल रही सी ते इस करके असी थोड़ा डिले कर लिया ते हुण मैं प्रधानगी मंडल दे विच हाजरी सारे ही बुद्धिजीवी वर्ग दोस्तों मित्रों जिहड़े साडे निघे सुत्ते ते इत्थे पहुंचे मैं सारिआं नूं जी आया आखदांगा। कुछ दोस्त सहि सुभाव सिरजना के संपाद के जो चलाते हैं इतने उन्होंने मैं जी आखदा वो भी पहली बार साढ़े समागम के आए हैं। तो इस तो अलावा जी एस पब्लिक स्कूल धौला तो होर भी संस्थाव के जो मैंबर ने इतने आए हैं मैं सारे जी आखदा गा। राम स्वरूप पंखी साहित सभा वालों ये 56वां हैगा जो समागम असं कर रहे हैं 3 साल तो यह सभा लगातार काम कर रही है पिंड धौला तो हालांकि शहर के बहुत सभावान ने ते सारे अपने अपने जो कार्य बहुत सोहना कर रहे हैं तो साड़ी नौजवान सभा अपना वक्रा तौर पर कि भाई गुरसेवक सिंह धौला की जी प्रेरणा सदका बनी सी ते बाद दे विच जिहड़े सीनियर लेखक ने उन्हां तो समय समय से असी जिहड़ी उन्हां दी अगवाई लैके ये समागम असी करते आ रहे हैं। डॉक्टर क्रांतिपाल जी वालों हाजरी लगाते हुए मैं दसना चाहना भी वो अजकल जो यूएसए ने क्योंकि उन्होंने कोई फैमिली रजेमा का कोई बीमारी करके तो इस करके वो अपने सारे ही ड्यूटी लग गए थे भी कहानी पंजाब जो परचा उन्होंने लोक अर्पण तुम करना जिस तरह का समागम करना चाहते हो कर सकते हो इसलिए बेदी साहब से गुरसेवक धौला जी ने इस समागम का कोआर्डीनेट करके इन्होंने राय मशवरा करके असी ये समागम रखा गया। तो इस अलावा असी कुछ नवे जो दोस्त आए मैं दसना चाहना भी राम स्वरूप पंखी साहित सभा वालों असी हर साल बजुर्गों के नाम से एक अवार्ड शुरू किया है 11,000 रुपए का 3100 तो असं शुरू किया अवार्ड असी हर साल एक लेख की चोण करके दें हूँ सभा को कुछ दानी पुरशों वालों कुछ फंड आया से वह भी असी 2024 के ही
क्योंकि सभा तकरीबन आपका जो हिसाब किताब उन्होंने पारदर्शी रख के जिन्ना क फंड आता से वह ला दें क्योंकि असं चाहते भी जो पैसा साहित लिए आता साहित से लगे इस करके एक हुशियारपुर तो है चरणजीत सिंह उन्होंने नाम वो फॉरम के रेंदे है उन्होंने सानू 18 जून में 1.5 लाख रुपये भेजे से सभा किसी रिश्तेदार वो वैसे तो सारी टीम की मेरी हाँ के हाँ ही होंगी है फिर भी चलो जो मैं कोई फैसला कला भी ले लैंदा गा तो तकरीबन वो सही मन के जो वो फैसला कर लेंगे तो मैं भी उन्होंने हाँ के हाँ ही होंगी इस करके असी 1 लाख रुपया तो असी जो भी कोई लोड़वंद लेख है जिमें उन्हें लिखे तो साहित लिए बहुत बड़ा कार्य किया गया पर जो चूल्हा वो अजे ठंडा पिया गया असी उन्होंने फाइंड आउट करा लगे तो जी 1 लाख रुपये की राशि असी उस जो लेख है झोली पावे बिल्कुल नगद होगी दूसरा है साढ़े एक अशोक दबड़ी खाना ने लेख ने छोटी जी उम्र के बहुत सोहना लिखते हैं तो वह भी जोड़ा घरों थोड़ा वीक है तो वो भी असं 21,000 रुपया जरा तो एक पाली जी बैठे अदारा शब्द जो चलाते हैं मैं पहला भी इन्हों जी हामी भरती थी वो भी असं 21,000 रुपये इन्होंने समागम लिए जो उ 52 कवियों का यह करते हैं नौजवान कवियों का तो वो असं जो फंड है वो किया इस करके जिन्हें पैसे आए थे वो बार भी बार अभी जो लिखे लाते हैं सो सभा के जो वार्ड है वो जारी रहेगा तो पिंड धौला का बहुत बड़ा सहयोग है नगर का क्योंकि कोई भी लेख तो नगर ना बड़ा होंगे गा जो तो नगर है ज्यादा घर है जो उसकी विरासत है उन्होंने सामभे इस करके असं अंकी साहब आज विरासत मानते हुए तो असं चाहते हैं भी वह सदा साढ़े दिलों में तो है ही है सारे पाठकों के क्योंकि इंटरनेशनल बड़े लेख ने तो जिन्ना साडा पिंड वास धौला वास का फर्ज बनता अं पिंड वालों उन्ना कि कर रहे हैं जिन्ने के समर्थ हैं सो तुम इतने आए चल के साथ निघे सदे से बहुत बहुत धन्यवाद है तो आस करते अगे तो इस तरह सानू सहयोग करते रहोंगे बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद धन्यवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सोहनिया गल्लां जो करते ने ऐ नहीं है जी कहते ही नहीं करते मैं देखिया कहनी तो करनी कोई फर्क नहीं इन्हों लगातार ही मैं जुड़िया हुआ इन्हों 3 साल तो 56वां फंक्शन है मेरा ख्याल 1 अद्धा फंक्शन मैं गैराज रहा हूँ इन्हों के नाल लगातार ही क्योंकि राम स्वरूप पंछी के चेले है तो बूटा सिंह चौहान भी उन्होंने गल के नाल ही जुड़े हुए हैं असी सारे इस सभा के नाल उस करके ही समर्पित है भी जिते उन्होंने ना होगा असं ना आवेंगे ये जिमें एक चंगे पुत की निशानी होंगी है कि वह अपने प्यो की विरासत अगे लै जाता डॉक्टर क्रांतिपाल ने अपने फादर की विरासत अगे लैके तोड़िया होया कहानी पंजाब उन्होंने चला रहे हैं उमें जिमें पिंड धौला के नौजवान जोड़े गुरसेवक धौला बेअंत बाजवा गुरप्रीत गैरी अमनदीप होर जिन्ना भी ग्रुप है इन्हों का इन्होंने राम स्वरूप पंखी की यह विरासत बाखूबी सामभिया उसको अगे तोरिया इंधिया प्राप्तियां जो गिना लगा तो बहुत समा लगू इन्होंने स्कूल का नाम भी जोड़ा उ स्मार्ट स्कूल का रखवाया सरकारी स्कूल है प्राइमरी वो नाम भी राम स्वरूप पंखी स्मार्ट स्कूल का नाम रखवाया सभा के जतन ही एक काम होया होर भी इन्हों बड़े व्डे सुपने जो मैं वह भी दसा तो अजय मैं कहना भी साकार हो जाने तो बाद च दसागे इन्हों प्रोजेक्ट बहुत करोड़ों के और गल करते भी नहीं हम करके बहुत बड़ा हाल बना उ पिंड ऑडिटोरियम आने वाला सुपना जोड़ा है वो थोड़े जो साल पूरा हो गया पाठक भरा आए थे साढ़े को जी आया इन्हों का हैड था तो मीटिंग के मैं निकलिया इस तो पर बहुत धन्यवाद जी आए परसों असी टलेवाल से कट्ठे पिंड वास ने इन इन कविशरी इन्हों दिया कह कह के सुनिया मैं हैरान सी भी हजे भी लोगों के चंगे साहित का क्रेज है जेकर उ क्योंकि वह तनिया उ अवतार टलेवालिया के नाम से लाइब्रेरी बनी हुई है
वो लाइब्रेरी गोल्डन जुबली सी, तुसीं देख लो पिंड दे विच 50 सालां तों लाइब्रेरी चल रही सी। उस लाइब्रेरी के सामने बहुत वड्डा पंडाल इकट्ठ सीगा, पिंड दे लोक किन्ने ही लोग बैठे, आम लोग उन्होंने साहिब दीआं गल्लां सुनिया, बड़ी दिलचस्पी ली, इनाम भी दिते आपदियां जेबां तों कट कट कविशी नूं। सो उहदा भी आपां एक तलकारा पेश करांगे तुहाडे सामने। ते हुण मैं पहला ये चाहूँगा कि आप कहानी पंजाब रिलीज कर लिए। बाजवा साहब अजे अड़ीक है किसी अजय कभी बुला। मैं ना लिया सीगा एक बेटी का जो पहुंची हुई है जसप्रीत कौर बब्बू, उन्होंने नाम पहला मैं बोलता सी, वो मंच से आ जाए अपनी जी है आवरत ना साढ़े ना ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਔਰਤ। ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜੋ ਸਤਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੰਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਿਲ ਹੌਲਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਿਲ ਹੌਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਚੀਸ ਜੋ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਆਖਾਂ, ਅਖੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਆਖਾਂ ਅਖੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਜਦ ਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਏ, ਜਦ ਗੇੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਰਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਰਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੈਂ ਜਦ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਜਦ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਣੇ ਨਾ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਲੱਭਣੇ ਨਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜਣੇ ਨਾ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਲੱਭਣੇ ਨਾ। ਤੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ ਪਛਤਾਉਣਾ ਏ, ਤੈਂ ਰੋਣਾ ਏ
पछताउणा है जद गेड़ा पिंड नूं लाउणा है तैं रोणा है पछताउणा है तू तक के घर विच का अपने फिर सूतेगा तू सा अपने तू तक के घर विच का अपने फिर सूतेगा तू सा अपने बड़ा नैना नीर बहाना है बड़ा नैना नीर बहाना है तै रोना है पछताउणा है तै रोना है पछताउणा है तेरे खेत च हथी तेरे खेत ना हथी रहने जो तुर चलिया कर गहने तेरे खेत ना हथी रहने जो तुर चलिया कर गहने फिर केड़ी खेल नहाना है फिर केड़ी खेल नहाना है तै रोना है पछताउणा है तू समझ जरा मालविंदर नूं तू समझ जरा मालविंदर नूं कुछ फोल भी अपने अंदर नूं तू समझ जरा मालविंदर नूं कुछ फोल भी अपने अंदर नूं तेनू बदले सब ते आना है तेनू बदले सब ते आना है तू रोना है पछताउणा है तू रोना है पछताउणा है जदों गेड़ा पिंड नूं लाउणा है जदों गेड़ा पिंड नूं लाउणा है तू रोना है पछताउणा है तू रोना है पछताउणा है थैंक यू सर ਦਾ ਕਾਲਾ ਟੱਲੇ ਵਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੱਲੇ ਵਾਲ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੱਠੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਕਰਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂਹੀਓ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਕ ਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਾਮੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਲੱਗਣ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਹੋਰੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਹਲ ਦੇ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 3600 ਫੋਟ ਦੀ ਸੈਲਫ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਫੋੜ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਟੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਘਾਹ ਉਗਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛਪਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਨਾ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਧੁਨ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਚ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਗਰ ਨੇ ਜਨੇਪਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਾਗਰ ਨੇ ਜਨੇਪਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸਲ। ਹਿਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜੰਗਲ ਚ ਚੈਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਰਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਰਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਸਲ, ਉਸਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣੇ ਕੋ ਬੇਪਤ ਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਲ ਨੰਬਰ 100 ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ। ਭੈ ਮੁਕਤ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਨਸਲ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੰਜਨਾ ਮੈਨਾਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਠਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੈਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪੈੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਸਭਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਉਸ ਧੌਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ
पर अज इन्हों वादा किया जरूर पहुंचा समय चो समा कड़ के लो ज्यादा समा ना लेते हुए थोड़े न एक रचना साझी कर लगे हाँ। एक समय का वह भयानक सच जिहड़ा अज के समय के बिच साडे लोगों को खाई जा रहा वो किहड़ा सच है वह मोबाइलों का सच है। अज घर घर के माँ बाप के हाथ के मोबाइल ने बच्चों के हाथ च मोबाइल ने जो बच्चा रोंदा माँ मोबाइल फड़ा दी है भी लै बेटा मोबाइल देख ला चुप कर जे माँ रसोई के रोटी लाँदी है तो मोबाइल सामने रख के लाँगी पिता नौकरी तो आते सारी हाथ के मोबाइल फड़ के वो उपर यूट्यूब फेसबुक जो भी होंगे उन्होंने देखना होंगे पर कद नहीं सोचते भी साड़ी आने वाली पीढ़ी है जी वो असी कहे दे खड़े खोद के जा रहे क्योंकि जो असी आप नहीं सही तो साड़ी आने वाली पीढ़ी तो असी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते चंगिया गलों की उम्मीद नहीं कर सकते चंगे सभ्याचार की उम्मीद नहीं कर सकते। सो अज की जी रचना थोड़े न साझी कर लगे हाँ मम्मी डैडी फेसबुक के बच्चों की कोई सारनी पाठ भरावान की मुखार गल चो हो जी आया सब सज्जना भागा नाल ने होंदे दीदार थोड़े आन बैठ गए रबी मैं भला में उच्चे सुचे ते शुभने विचार थोड़े हो लगे हाजरी बिच दरबार सच्चे उत्ते खुश ने दसवां अवतार थोड़े हो लैके कविता दे पुष्प दरबार सिंगा बच्चियां दी कोई सार नहीं वो बच्चे मंगदे समां थोड़े तो नाल उहनां दे हसो जी कुछ उहनां दी सुनो बैठ के कुछ अपनी भी दसो जी कुछ उहनां दी सुनो बैठ के कुछ अपनी भी दसो जी ओ दो बच्चे विगड़न साडे मां प्यो बच्चियां दी कोई सार नहीं मम्मी डैडी फेसबुक ते बच्चियां दी कोई सार नहीं ओ जेड़े रस्ते तुसी चले हो ओ भी ओ ते आवणगे थोड़े वांगू ओ भी सांझ मोबाइलां दे नाल पावणगे थोड़े वांगू ओ भी सांझ मोबाइलां दे बच्चियां दी कोई सार नहीं मम्मी डैडी फेसबुक ते बच्चियां दी कोई सार नहीं ओ समाया तुसी तरसोंगे थोनू बच्चियां ने बुलाउणा नहीं गल करन नू तरसोंगे तुसी कोले कोई इत्थे आउणा नहीं गल करन नू तरसोंगे फिर कोले कोई इत्थे आउणा ओ गल खाने बिच पायो करदा मैं बेकार नहीं मम्मी डैडी फेसबुक ते बच्चियां दी कोई सार नहीं मम्मी डैडी
वट है पते बच्चों की कोई सार नहीं।
अजड़े तेरे अगे पिछे फिरदे ने, अजड़े तेरे अगे पिछे फिरदे ने। इन्हां वर्गी साडी भी इक टोली सी, अजड़ी जवानी तेरे सिर चढ़ बोलदी है, जेड़ी जवानी तेरे सिर चढ़ बोलदी है। साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी, अजड़ी जवानी तेरे सिर चढ़ बोलदी है, साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी। तेरे नालों ज्यादा ऐश उड़ाई मैं, तेरे नालों ज्यादा ऐश उड़ाई मैं, अजब ताही खाली आटे वाली टोली सी, साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी। चाड़ के मुछा बड़क मार के लंघदे सी, चाड़ के मुछा बड़क मार के लंघदे सी। सारिया दी अज जिंदगी पै गई भोली जी, साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी। मिलन किते ता पुछा झूठे पांड्या नूं, मिलन किते ता पुछा झूठे पांड्या नूं। गुड्डी उसमानी पत्तरी खोली सी, ओ साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी। जद मिलिया उन्हां ने मैनू पुछिया नहीं, जद मिलिया उन्हां ने मैनू पुछिया नहीं। जिसकी खातर अद्धी जिंदगी रोली सी, ओ साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी। गहरी बर्बादी दा कारण कुछ लभिया नहीं, कुछ बर्बादी वाला कारण लभिया नहीं। सारी जिंदगी बह के अज फरोली सी, ओ साडे भी सिर चढ़ के इक दिन बोली सी। शुक्रिया। ਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਝਰਨੀ ਹੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ। ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਣੀ। ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ, तेरे प्यार नू मैं समझ ही ना पाया, तेरे प्यार नू मैं समझ ही ना पाया। नहीं सांदा गेवा जो मत सीने आनी, जो नदियां समुंदर ते दरिया दा पानी। कि मैं दूर करदा मैं तैनू मेरे चो, कि मैं दूर करदा तक पहुंची मेरे जिस्म थानी। जो नदियां समुंदर ते दरिया दा पानी, कित्थों तैनू लभिए पता ना ठिकाना, कित्थों तैनू लभिए पता ना ठिकाना। नहीं पैड़ मिलदी बड़ी खाक छानी, नहीं पैड़ मिलदी बड़ी खाक छानी। जे छड़दा ना पुन्नू थला विच ससी नू, जे छड़दा ना पुन्नू थला विच ससी नू, ओ प्यासी ना मरदी होके पानी पानी, ओ प्यासी ना मरदी होके पानी पानी। ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਗਹਿਰੀ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ,
ਗਰੀ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾਣੀ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਏ ਜਾਣੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੈਰੀ ਜਾਦਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲਏ, ਫੋਨ ਲਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪੰਛੀ ਸਹਿ ਸਭਾ ਧੌਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਨਾ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੁਗੰਧਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੜਕਣਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਣਾ ਹੈ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਚੁਰਾਹੇ ਜੀਵੇ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਣਾ ਸੁਗੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਗੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਦਾ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਹੋਵੋ ਗੇ ਉਸ ਪਲ ਚ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਪੈਰ ਤਪਦੀ ਜਮੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੁਗੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਸੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦਿਸੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੁਝੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੁਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁਣਾ ਸੇ ਠੀਕ ਬੇਰ
तेरा जाना सुगंधा जहे लोग रहते चिरा तक हवा दहुंदा न कोई ठिकाना बिना भूया तो है कर जिंदगी दा हवा वांग लोका दाउना ते जाना सुगंधा जहे लोग रहते चिरा तक हवा दहुंदा न कोई ठिकाना न कोई ठिकाना। धन्यवाद लक्ष्मण दास मुसाफर जी, हमने हमने केरला तो आए हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके, महेंद्र सिंह राही जी इन्होंने नाल सी, राम सूप अणखी सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल कौला के मुख अध्यापका शैली जी साढ़े विचार पहुंचे जी आए, इन्हों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जिते सहज सभा अपना जतन कर रही थी उत्थे इन्होंने भी अपने वालों लैटर फॉरवर्ड किया तो लिखा भी राम सूप अणखी जी के नाँ पर स्कूल का नाम होना चाहिए, सो हो गया। बहुत बहुत बधाई शैली जी, धन्यवाद। मैं जगजीत कौर जी को बेनती करना जो आओगे, इस तो बाद रघुवीर कट्टू जी दी बोलियां बोली सुना के पाल सिंह लहरी भी मैं लगता है तैयार है गाने के लिए। बहुत ही सत्कार प्रधानगी मंडल ते साहित्यकार दोस्तों, अज कहानी पंजाब का नवान घर लीज हो रहा, मैं इस दे लिए तुम सारा बधाई देना। मैं कहानी पंजाब का 2002-03 तो लगातार पाठक जिन्हों पढ़द्या पढ़द्या मेरे विच भी थोड़ी बहुत ही साहित्यक जी सूझबूझ सी उत्पन्न हुई, उस करके मैं पंजाबी गज़ल से थोड़ा बहुत लिखन लग्या, तो उस तहत एक गज़ल तुहाडे रूबरू कर रहा, उम्मीद है तुहानू पसंद आए। शीशे दे विच जड़ नहीं हुंदा, शीशे दे विच जड़ नहीं हुंदा, अपना मन ही फड़ नहीं हुंदा। गलती कर जद घर वड़दा हाँ, गलती कर जद घर वड़दा हाँ, मां दे अगे खड़ नहीं हुंदा। ओ इन्ने रंग बदले अजकल, ओ इन्ने रंग बदले अजकल, उसका चेहरा पढ़ नहीं हुंदा। ओ इन्ने रंग बदले अजकल, उसका चेहरा पढ़ नहीं हुंदा। अपनी हालत लई मैं दोषी, अपनी हालत लई मैं दोषी, दोष किसे सिर मर नहीं हुंदा। चानण करदा लगदा सोहना, चानण करदा लगदा सोहना, मैथों जुगनू फड़ नहीं हुंदा। चौहान साहब, चढ़ता चढ़ता हाले भी है, चढ़ता चढ़ता हाले भी है, मैथों कोठे चढ़ नहीं हुंदा। जद जिद फड़ लै मिलन लई ओ, जद जिद फड़ लै मिलन लई ओ, फिर गुरु तो अड़ नहीं हुंदा। शीशे दे विच जड़ नहीं हुंदा, शीशे दे विच जड़ नहीं हुंदा, अपना मन ही फड़ नहीं हुंदा। बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद। हूँ मैं रघुवीर सिंह कट्टू जो कि कट्टू पिंड के ने, इन्हों पिंड भगतू जी हुए हैं, जिन्हें डॉक्टर नाहर सिंह वर्गिया ने PhD की है, उस उन्होंने नाल ही रह के बोलियां लिखनिया सीखे ने। रघुवीर वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। दोस्तों मैं तुहाडे नाल माँ बारे कुछ क बोलियां साझिया करदा।
ਮਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਹੀ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬਾਲੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਾਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਦਾ ਮਾਲੀ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉੱਡੇ ਚਿਰੇ ਤੂੰ ਬਈ ਉੱਡੇ ਚਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਬਾਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਬਾਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਬਾਜੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋਵਣ ਲੱਖਾਂ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਏ ਵੀ ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਉਹ ਵਕਤ ਪਏ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਬਾਣਾ ਕੋਈ ਫੜਾਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਸੁਣੀ ਜਦ ਮਾਂ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਏ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂ ਵਰਗਾ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂ ਵਰਗਾ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਡ ਦੀ ਹਤਨਾ ਕੋਈ ਓਏ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਦੀ ਹਤਨਾ ਕੋਈ ਭਰੀ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਤੋੜੀਏ ਓ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਫੇਰ ਨਾ ਆਉਣੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਢੱਕਦੀ ਔਗਣ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਵੇ ਵੀ ਸੌ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਭਰੇ ਪੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਗਰੋਂ ਖਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਗਣ ਮਨਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਗਣ ਮਨਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਵੇ ਖੜਦੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਮਾਂ ਸਮਾਵੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਮਾਂ ਸਵਾਵੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਚ ਨਾਣਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਕੱਟੂ ਵਾਲਿਆ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਮਾਣੂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਾ ਲਾਂਗੜਾ ਕਾਲਾ ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖਣਾ ਮੋੜੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਗਰਮੀ ਪਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾਤਰ ਝੋਲੀ ਅੜਦੀ ਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰਦੀ ਮਾਲਾ ਮੁੱਲੁਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਚੋ ਮਾਮਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਚੋ ਮਾਮਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਪਾਠੀ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਅਣਖੀ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 'ਤੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਚਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਤਿਕਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਹਿਤ ਕਾਸਲਾ ਰਾਮ ਭੈਣੋ ਤੋਂ ਭਰਾਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਅੰਕਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਬੇਰੁਖੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਬੇਰੁਖੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਤਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇੜੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਤੋਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨ ਸੜਕੇ ਸੁਆ
ਪਰ ਕੁਟਨੀ ਹਿਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾ ਪਰ ਕੁਟਨੀ ਹਿਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾ ਬੁਝੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੁਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਣ ਤੋਂ ਪਰ ਕਿਸਾ ਕੀ ਮਗਰ ਜਾਮ ਨੈਣਾ ਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾ ਕੀ ਮਗਰ ਜਾਮ ਨੈਣਾ ਦੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇ ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਚਲ ਅਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਚਲ ਅਦਾ ਕੋਲ ਕੰਨਾ ਦਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਚਲ ਅਦਾ ਕੋਲ ਕੰਨਾ ਦਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫੁਲਾਂਦਾ ਬੜਾ ਬੇਰੁਖੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਤਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਤਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਐਸ ਪੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਫਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੰਡਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਮਨੋ ਚ ਖੋਟ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮਨੋ ਚ ਖੋਟ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਦਿਲਾਂ ਚ ਹਸਰਤਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾੜੀਆਂ ਮਨੋ ਚ ਖੋਟ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਮਨੋ ਚ ਖੋਟ ਸਿਸਕ ਦੇ ਪੰਛੀ ਪਏ ਜੰਗਲ ਉਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨੂਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਸ ਨੇ ਸਿਸਕ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਏ ਜੰਗਲ ਉਦਾਸ ਨੇ ਸਿਸਕ ਦੇ ਪੰਛੀ ਪਏ ਜੰਗਲ ਉਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨੂਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਨੇ ਉੜਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਰਿਆਂ ਨੇ ਉੜਦੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਨਾ ਚ ਖੋਟ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁਪਨਮਈ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਘੋਲਦੇ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਘੋਲਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲ ਮੋਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਲ ਮੋਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ
मना च खोट वेली तान वाड़ियां जिंदगी तो इस तरह खुशियां ने संगियां ज्यों प्यासे खेत तो कटा मलंगियां ज्यों प्यासे खेत तो कटा मलंगियां तुरियां गुदाम वल सौणियां तिहाड़ियां तुरियां गुदाम वल सौणियां तिहाड़ियां मना च खोट वे नीतां निवाड़ियां मना च खोट वे नीतां निवाड़ियां यख मौसमां च सुनिए टीसी कैलाश दी कोई नदी मुहब्बतां दी राह तलाश दी कोई नदी मुहब्बतां दी राह तलाश दी पूरन दे बागी उगियां थोरां ते झाड़ियां पूरन दे बागी उगियां थोरां ते झाड़ियां मना च खोट वे नीतां दी माड़ियां आखरी है जी ना सुने ना लेके कोई यार बल जाए बांसुरी दी सुर ना कोई पार तो आए बांसुरी दी सुर न कोई पार तो आए अजे करूर मौसम जूहां लताड़ियां अजे करूर मौसम जूहां लताड़ियां मना च खोट वे नीतां दी माड़ियां मना च खोट वे नीतां दी माड़ियां बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आप अज का जो मुख्य प्रयोजन है कहानी पंजाब का 103वां अंक रिलीज कर लगे हैं जो 100 अंक इसके पूरे हुए थे तो उदों क्रांतिपाल जी ने थोड़ी जी चेंज लिया उस तो उदों कोविड का टाइम आ गया सी जिथे चार अंक निकलते साल के त्रै मास्टर उस तो बाद यह एक कट्ठा अंक साल का तीन शताब्दी अंक निकले से उस तो बाद एक दो तीन 101, 102, 103 वह भी 400 दिते थे इस तरह के अपने ये अंक बन के होने लगे ने और एक नवी फिरत पाई गई कि एक नावल पूरे का पूरा ये छापण का जरा है ये हूँ पूरा योजना बनी हुई है ये एक नावल हर साल नवे लेख का जो पुराने ने जोड़ा भी वधिया नावल है उसको छापा गया इस बार केसरा राम जी का नावल है चुगुडो वो शामिल किया गया इस तो पहला बूटा सिंह चौहान का उजरे खूह के पानी वो शामिल किया गया से सो हूँ मैं प्रधानगी मंडल में बेनती करांगा तो इन्हों के नाल निरंजन बोहा जी कहानीकार भुपिंदर मान वो भी शामिल हो जाए रिलीजिंग समारोह सारे जाने गुरसेवक सिंह धौला जी आ जाए धन्यवाद जी शुक्रिया।
इस अंक नूं आपां वारी वारी एक दो वारी होर रिलीज करना है। उहदे विच सिरजना संवाद मंच दे अहुदेदार तिन्ने मैडम आ गया, नाल ही शैली जी, परमजीत मान, रामसूर शर्मा, डॉक्टर तेजा सिंह तिलक, अमरजीत मान, ये सारे मैं क्या नाल प्रधान सारे आ गए। चलो ठीक है, अगे अगे कर लो अंजना मैम, आओ तुसी भी आओ जी, दौड़ बब्बू आ जाओ भाई, कलसी साहब आ जाओ, आ ले लो कलसी साहब, आ ले लो कप, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। कहानी पंजाब रिलीज हो चुकी है, हुण राम स्वरूप पणकी सहि सभा ने इस बार फैसला किया है कि असीं ट्रॉफियां दे कल्चर तों पासे हट के हुण जिहड़े सिरजनात्मक पुस्तकां ने उहनां दे असीं रिलीज करा उह दिआ करांगे इनाम दे विच। केसरा राम जी नूं सन्मानित कर रहे हैं, गुरसेवक सिंह धौला जी आए, गुरप्रीत गैरी अमनदीप सभा दे आके केसरा राम जी का सम्मान कर नाल प्रधान जी मंडल सामने धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी पंजाब जो इस वार का है फेसबुक पर जिन्हों को पहुँच चुके हैं उन्होंने बहुत सोहनिया टिप्पणियां ये बारे पाया शुरू की जाते ये संपादकी पहला बहुत कमाल की है, उ पढ़ के बड़े बंद ने टिप्पणियां कीतिया। वाल साढ़े प्रेम प्रकाश जी उन्होंने बारे लिखा तो होर बड़िया बड़ी जानकारी है इस पेपर के। मैं सब तो पहला निरंजन गोहा जी को बेनती कराँगा कि वह इस बारे अपने विचार ने जो वो देंगे, इन तो बाद पाली खादू जी तैयार है। सत्कारयोग प्रधान जी मंडल ते मेरे सामने बैठे लेख साथियों, सब तो उच्ची सुची ते शानदार असीस हुंदी है कि तेरी उम्र लोक गीत जिनी होवे ते असी अज उस महान लेखक वालों जारी किए परचे दे रीस नूं इकट्ठे हुए हैं जिन्हां दी विचारधारक उम्र सचमुच लोक गीत वर्गी ते ए परचा है ओ उन्हां दी सोच दा तर्जमान है। असी जिन्हें भी लेखक है मैं समझदा कि असी दो तरह के साड़ी उम्र होंगी है, एक उम्र
जिन्हों असी दिनों च साल घंटिया च महीनों च मापते हैं तो दूसरी उम्र जी होती है वह विचारधारक उम्र होती है जिसनों समय च मापिया नहीं जा सकता जो सदिया तक जारी रह सकती है। तो मेरे ख्याल च राम स्वरूप अणखी की जी विचारधारक उम्र है वो केवल साढ़े तो बाद जी साढ़े आने वाली पीढ़ियां उस उम्र की चर्चा उन्होंने भी होंगी रहेगी। तो ये अपने आप च बड़े बड़े माण वाली गल है। साडा किसी का उन्होंने कोई खून का रिश्ता नहीं। रिश्ते दो तरह के होंगे ने एक खून के ते एक विचारधारक रिश्ते। ये जो विचारधारक रिश्ते है मेरे ख्याल च खून के रिश्तों नालों बहुत संघड़े होंगे ने। जे खून के रिश्तों विचार नहीं मिलते तो नित परिवार टुट रहे हैं। तो पर जोड़े विचार के रिश्ते है वो जी उन्होंने प्रतिबद्ध है वो अपनी मिसाल आप होंगी है। कल मेरी बूटा सिंह चौहान गल हुई कि मैं क्या तुम उत रहे हो इन्होंने जी मैं गल कही मैं हलूंग गई। वो कहने भी मैं तो कमिटमेंट की है कि जदों तक मैं मंझे से पिया होव तुर ना सक जद तक राम स्वरूप अणखी के ना से कोई समागम होंगे मैं घरदू कह के मेरा मंझा भी चके उठ लिया। यह होती है कमिटमेंट विचारधारा। तो इस कमिट के कमिटमेंट के बचे कोई हिसार तो आया है केसरा राम ते कोई बरनाले तो आया है कोई बठिंडे तो आया है कोई बोहा तो आया है। सो मैं समझदा कि ये बहुत जिहड़ी महान देन है राम स्वरूप अणखी दी ते उस दे परचे दी। इस परचे दे असी किसी ना किसी रूप सारे एहसानमंद है। तो इस परचे नाल साडियां सारे दियां यादां जुड़ियां होंदियां ने। अणखी बनना कोई सौखा नहीं होता। सो अणखी बनन लई राम स्वरूप अणखी बनन लई जिहड़े सिर दी लोड़ हुंदी है जिहड़ी मेहनत की लोड़ हुंदी है जिहड़े त्याग की लोड़ हुंदी है वो चंद बंदियां च ही हुंदा है। ते फिर ही वह कोई राम स्वरूप अणखी बन सकता है। आपां उन्हां दियां प्राप्तियां कि उन्होंने साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलिया ये तो आप सारे जानते हैं। पर जिहड़ी उन्होंने घालना घाली उस बारे असीं घट विचार करते हैं कि किहड़े हालातों तों लंघ के उन्होंने साहित्य प्रति अपनी कमिटमेंट निभाई। उस अवस्था च बंदा पागल हो सकता है जिन्हां हालातों तों लंघ के वो लगातार लिखते रहे अपने आप को मानसिक तौर पर बलवान रखिया। सो जो असी इत्थे उन्होंने याद करना है असी एक प्रेरणा लैन लई आए हैं कि जे राम स्वरूप अणखी वर्गा बनना है तो जिहड़ी उन्हां दी साधना है जिहड़ी उन्हां दा सिर है जिहड़ी उन्हां दी सिरदता है वह गुण भी
सानू अपने आप च पैदा करने पैणगे। नहीं निरंजन गोहा निरंजन गोहा रह जू ते राम स्वरूप अड़खी राम स्वरूप उस मुकाम ते कदे नहीं पहुंच सकूगा। सो असी सारे जानते हैं सारे उन्होंने राज विचरे हुए हैं खास तौर पर बूटा सिंह चौहान होरी ते बेदी होरी के ओ एक नावल ते किन्नी मेहनत करते सन। ये नहीं कि कोई प्लाट आ गया जोड़ तोड़ की नावल लिख लिया। जिहड़ा उन्हां दा फील्ड वर्क सी जे कोठे खड़क सिंह का पिंड वसाउणा है तां इह नहीं कि उन्होंने घरे बैठे वसा लिया। पता नहीं उत्थे किन्नी बड़ी गए होंगे किन्ने स्पष्ट नक्शा उन्होंने अपना मंच उहदा वसाया होगा। मैनू याद है कि मेरे को फोन आया कि मैं जिहड़ी गंदा नाला जिहड़ा पक्का घग्गर दरिया वगदा साडे उधर साडे गंदा नाला कहिंदे हुण कि उहदे च मैं बचपन च मैं उह वेख्या होया मैं दुबारा वेखना चाहुणा दुबारा उहदे किसे कहाणी च जिक्र सी उस दा बैठे घरे बैठे भी लिख सकते सी मेरे तो पुछो कि होर किन्ना क पानी है किवें है ऐ भी लिख सकते सी पर कार दा खर्च करके ਉਹ ਰਤੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੋਹਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਘਾਣੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਘਾਣੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅੜਖੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅੜਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਇਹਦੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੇਡੇ ਪੀਡੇ ਹੈ ਜੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਣਖੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਵਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਰਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ
अपने अंतम पलों तक लिखता रहा अधूरा नावल छड़ के गया तो अंदर भी खास सी कि मैं अपने मन तो बाद लम्मा समा जाता रहा तो जो भी रहा जे असी अणखी वांग जिउंदे रहना मन तो बाद जिहड़ियां उन्होंने मेहनत की है बड़े इल्जाम लगते रहे कि वध लिखते हैं जेडे घट लिखते हैं वह इल्जाम उन्होंने जिन्हों तो लिखा नहीं जरा जो अंकी की बराबरी नहीं सी कर सकते सो उन्होंने एक एक मिनट साहित्य लिखे लाया एक बार एक नावलकार कहता कि मेरे आ नावल मेरे पढ़ के सुन लो जी तो अणखी नूं अपने टाइम की कीमत का पता सी कि जिन्ने चिर च मैं मैं पता ये नावल च की है जिन्ना चिर मैं नावल सुनूंगा इन्ने च मैं अपना साहित्य का काम करूँगा क्या मेरे तो गुहे गुड़े वाला काम नहीं होता बड़ी औखी जी गल है पर मैनू लगता है कि इस गल के भी वड्डे अर्थ ने कि साहित्यकार अपने समय की किवें कदर करनी चाहिए है साडे कोल गिनती का समा है खास तौर से जिहड़े मेरे अगे जां बूटा सिंह अगे जिहड़े बोनस दी लाइफ जो रहे हैं साडे कोल समा है घट है तो साडा जिहड़ा काम करन वाला वह वध पिया है तो इस दी प्रेरणा सानूं राम स्वरूप अणखी तो लेनी चाहिए है राम स्वरूप अणखी बारे लम्मा बोलिया जा सकता है किन्ने घंटे बोलिया जा सकता है पर मैं समझदा कि आप होर बुलाने में भी सुनना है सो सारे का धन्यवाद रंजन गोहा जी जो पंजाबी के वधिया आलोचक जिन्हों का नाम आता है आप कहानीकार भी ने मिनी कहानी के बटा लाया उसके बारे इन्ह का मिनी कहानी का जो शास्त्र है सिद्धांत वो भी इन्होंने लिखा हुआ सो हूँ मैं पाली खाल में बेनती कराँगा कि वह अपने विचार साढ़ना साझे कर इन्हों तो बाद प्रोफेसर मनजीत पुरी जी जिला भाषा अफसर फरीदकोट से आ रहे बहुत ही सत्कारयोग प्रधानगी मंडल साहित्यकार दोस्तों सिर्फ थोड़े दो ढाई मिनट ही लूँगा उन्हां दो ढाई मिनटां दे विच जिथों बोहा साहब ने गल खत्म की आ मैं उत्थों अपनी पहली गल शुरू करदा लियो टॉलस्टॉय नूं किसे ने पुछिया कि तू दस सकदा कि लेखक कौन हुंदा तां उसने जवाब दिता कि मैं ये नहीं दस सकदा कि लेखक कौन हुंदा मैं तैनूं ये दस दूं भी कौन लेखक नहीं हुंदा वो कहना चल यही दस दे तो टॉलस्टॉय उसनूं जवाब दिंदा कि कहिंदा वह लेखक नहीं हुंदा जिहदे मरन दे नाल उसकी रचना भी मर जाए उसकी गल होनी बंद हो जाए वह लेखक नहीं हुंदा बाकी सारे लेखक हुंदे ते राम स्वरूप अणखी जी जिन्हां दी गल अज इत्थे हो रही आ डॉक्टर क्रांतिपाल जी बेअंत बाजवा जी तौलावी जी ये सारे उन्हां दी गल कर रहे ने उन्हां दी कहानियां उन्हां दी गल कर रही आ उन्हां दे नावल उन्हां दी गल कर रहे ने सो यह निरंतर जिहड़ी आ वो जारी रहूगी गल ते इस दे नाल ही मैं सिर्फ आखिरी गल जिहड़ी आ वह यह है कि इस समुची टीम नूं बधाई और अदारा शब्द जोत जिहड़ा अठवां कविता कुंभ उन्हें इस बार करवाया ते असी अगले साल इस नूं थोड़ा जिहा वधाउण लगे हाँ वह धौलावीर जी ते बेअंत साहब जी नाल गल कीती सी वह यह सी कि असी इस नूं दो दिनां दा करन जा रहे हाँ वह साडा विचार है कि पहला दिन जिहड़ा वह कहानी कुंभ होगा ते दूसरा दिन कविता कुंभ दो दिन का असी करन जा रहे हाँ सो इस सभा ने सानू सहयोग किया आर्थिक तौर पर असी इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिलों शुक्रगुजार करते हैं और आस करते हैं कि इस तरीके
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲੀ ਖਾਦਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸੀਨੀਅਰ ਚਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੰਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਥਾਕਾਰ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਰਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਗਜ਼ਲਗੋ ਪਾਲੀ ਖਾਦਮ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਜੰਮਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਮਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਧਮਿਆਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਲੇਖਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੌਸ ਖਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚ ਬੂਝਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਿਆਨਤ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵ ਧੌਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਪ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅੰਚਲਿਕਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸਮੱਗਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨਾਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਠੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਢਾਬ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚਿਤਰਣ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤਪੁਰੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਫੇਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ।
फिर उन्होंने कहानियां सारिया पढ़िया जिन्हें सुत्ता नाग वर्गी कहानी कमाल दी सी जिसे अद्धा आदमी वर्गी कहानी कमाल दी सी। फिर जो मैं थोड़ा बड़ा होया तो मैं उन्होंने चिट्ठियां लिखी कि मैं तुहाडे नावल पढ़े आ और मेरी जिंदगी च पहली बारी वापरिया कि किसी लेखक ने उस चिट्ठी का जवाब दिया तो मैं वो चिट्ठिया हाले तक सामभ के रखी हुई और उहदे च इक मेरे लिए सब तो वड्डी खुशी की गल यह भी सी कि उन्हां विचों मेरी एक चिट्ठी शायद 2001 जां 2003 कहानी पंजाब दे विच भी छपी उन्होंने छापी तो इन्हां गल्लां ने ही सानू मेरे वर्गे उन्हां वेलिआं च कॉलेज दे विच पढ़दे हुंदे सी ग्रैजुएशन करदा सी मैं इन्हां गल्लां ने सानू बहुत हौसले दित्ते कि असीं साहित दे खेत्र दे विच अगे जिहड़ा उह विचरना शुरू कीता। तीसरी गल मैगजीन के हवाले के नाल रसाले के हवाले के नाल कि पंजाबी दे बहुत सारे लेखकों के परंपरा रही है कि वो नाल मैगजीन कढ़ते रहे जिन्हें प्रोफेसर मोहन सिंह होर ने उस वेले पंज दरिया वर्गे मैगजीन कढ़े अमृता प्रीत होर ने नागमणी वर्गे मैगजीन कढ़े गुरबख्श प्रीत लड़ी होर ने प्रीत लड़ी नाम का मैगजीन शुरू किया उस तहत रामस्वरूप अणखी हुई मालवे के खेत्र पहली बार किसी मैगजीन का उदय कर गया वो सारे सारे अमृतसर के एरिए चर्चित लेखक से पर इन सारे वापरी गल ये लेखक के तुर जाने तो बाद मैगजीन बंद हो गया उन्होंने वो पद्धर नहीं रहा जिहड़ा उन्होंने हुंदा हुंदा देखो बहुत सारे तो बंद ही हो गए नागमणी तो अमृता प्रीत होर ने अपने जीवन के बंद करता तो होर जो बहुत सारे मैगजीन वो हले तक भी किसी न किसी रूप से छप रहे हैं पर उन्होंने वो पत्थर नहीं पर इतने डॉक्टर क्रांतिपाल होरी वधाई के हकदार ने कि कहानी पंजाब जिस किस्म का पत्थर लैके शुरू किया गया सी ते वो पत्थर जिहड़ा हुण तक उहदा बरकरार आ ते 103वां अंक आ जिहड़ा वो असीं अज इत्थे लोक तक कीता मेरे वल्लों समुची टीम नूं और यूएसए बैठे साडे वड्डे भाई क्रांतिपाल होरां नूं जंत राज बहरां नूं गुरसेव होरां नूं सारी टीम नूं बहुत बहुत मुबारकबाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मनजीत पुरी जी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गल्लां सांझियां कीतियां मैगजीन बारे कीतियां ने किवें निरंतरता इस मैगजीन की रही है और इहदा म्यार भी उन्ना ही उच्चा रहा जिन्होंने दस्सिया धन्यवाद। हुण मैं कुमार चंदेव बराड़ जी नूं बेनती करना वो अपने विचार साडियां सांझे करन प्रिंसीपल कुमार चंदेव सब तो पहले तो मैं डॉक्टर क्रांतिपाल और साड़ी भैन जसविंदर उन्होंने बेटे मुबारक वालों थोड़ा सारे का धन्यवाद करता कि उस परिवार की गैर हाजिरी के असी एडी वड्डी गिनती दे विच इकट्ठे हो गए उस कार्य को पूरा कर रहे हैं जिस कार्य की उन्होंने इन्नी दूर बैठे कितनी सिख होएगी मन च कितनी तड़प होएगी क्योंकि जिस तरह वो परिवार इस रसाले के नाल इस मैगजीन के नाल जुड़िया हुआ उन्होंने रूह बसती है और सब तो वड्डे वधाई के हकदार हमेशा ही मैं गल कहना हूं कि स्रोते होंगे ने दर्शक होंगे ने तुहाडी हाजरी के नाल तुहाडे इत्थे आउण दे नाल ही इस तरह के समागम है जिहड़े वो सोभते ने और सहत सभा की जिहड़ी टीम है ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੈਰੀ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। मैं एक छोटी जी गल सुना के
विदा करवांगा तुहाडे तों। बड़ी पुरानी गल है जदों मास्टर सलीम गाउन लग्या लग्या जदों एक जवाक के तौर पर एक बच्चे के तौर पर उहदी जिहड़ी पहली कैसेट बहुत हिट हुई सी उहनां दी कोई रिश्तेदारी आ मलोट वो कोई विआह जा रहे सी ते मैं जुड़िया होया सी उस परिवार नाल फरीदकोट विच लंघना सी उहनां ने ते मेरी इच्छा सी शाहपुर जी साहब नूं बड़ा सुनिया सी पर कदे स्टेज ते सुनण दा मौका नहीं मिलिया क्योंकि स्टेज पर गाना बहुत देर तो छड्ड चुके सी और मैनूं माड़ा मोटा आभास सीगा कि उस विआह दे विच उह मंच ते जरूर कुछ ना कुछ गाउणगे मैं नाल चला गया उहनां दे उत्थे सलीम ने ते शाहपुरी साहब ने सारी रात गाया क्योंकि उन्होंने रात का नेड़ले ही कोई रिश्तेदारी सी सलीम दे कोई मासी भूआ दे मुंडे दा विआह सी जिहड़ी गल मैनूं उत्थे वधिया लगी होई सी कि सारे भुंजे दरियां लिखियां होईयां सी उत्थे बैठे हुए सी इक छोटा जिहा तख्त पोश लग्या होया सी जिहदे ते सलीम दे बैठे सी शाहपुरी साहब बैठे सी उन्होंने एक रवायत है कि एक बंदा संगत दे विचों उठदा तो उह जा के जिथे जिहड़ा गाउण वाला उहदे मूहरे रुपया जां दो रुपये रखे होंदे और कमाल की गल है कि जो बंदा उठ के जा रहा होंगे तो उठ के जिन्ना चर वापस नहीं आता उन्ना चर दूजा बंदा नहीं लगता एक मुसलमान भाईचारे के इस तरह की कोई रवायत होनी जो आके बह जाता तो फिर कोई दूजा बंदा उठता पैसे भी वो ये नहीं कि कोई 100 रुपया या 500 रुपया मिले जोड़े वेल मैं थोड़ा गल सुना रहा 20 साल पुरानी उदो वो तो वो मेरा ख्याल उठे कोई 5 का नोट किसी ने दिता होगा 20 रुपया या 2 रुपये वो प्रवाह जरा सारी रात चलता रहा जिन्ना चर गवैया गाँव रहा उन्ना चर वो लड़ी जी टुट लगे वो बादशक नहीं समझी जाती है जे वो लड़ी टुट जाए तो मेरा गल सुनाने का भाव इन्ना ही कि योजे जे कारण होंगे आप सारे लेखक बैठे हैं इतने जो किताब आपकी छपवानी पे ना उ बहुत बहुत परेशान कर देंगी आप किन्ने खर्च आता किन्ने पैसे लगते आप सोच सकते हैं और एडे एडे वे मैगजीन है जोड़े वो इन्नी लगातारता के नाल छपने बहुत औखे होंगे मैं मानता कि जी टीम है सहज सभा की बहुत समर्थ है सारा कुछ करन दे क्रांति पाल आप बहुत समर्थ है पर साडा भी कितने ना कितने हिस्सा पैना चाहिए होंगे मैं एक होर छोटी जी गल याद आ रही है कि मेरे नानके पिंड रामिया ने मेरे मामा जी बहुत धार्मिक विचारा दे उत्थे इतिहासक गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण पे हुए ने उत्थे कितने कार सेवा चल रही थी मैं कम गया तो पता लगे कि मामा जी गुरुद्वारा साहब बैठे ने उत्थे कार सेवा चल रही है और मैं जो गया उत्थे तो उत्थे रेते के ट्रक मतलब रखे हुए थे बहुत वीड्डी ढेरी रेते की वो उपर वो जो बाबा जी कार सेवा वाले वो बैठे हुए थे नाल को पिंड के मोहरी बंदे जिन्हें मेरे मामा जी भी बैठे हुए थे वो जी कलैक्शन हुई थी पिंड के लोगों ने कार सेवा वास्ते कोई पैसे दिते से गिनती कर रहे थे और गिनती करते हैं घटाला शायद कोई 5 का या 10 का और रेते की ढेरी चली है मेरे नाम तो याद नहीं उन्होंने कार सेवा वाले बाबा जी का तो उन्होंने हुक्म देता कहते भी ढेरी फरो दो जो ढाबा लभो ये उस समेत मेरे जो पता लगे कि आह कुछ हो रहा आप हैरान जो होंगे भी की एक 5-10 के ढाले पिछले इन्ने बंदे है ना मतलब बहुत वीड्डी ढेरी सी वो कोई कहता है नहीं सी रेते की ट्राली है वाला काम उसी ट्राले कह रहे थे उसे पर जो मैं गल पता लगी बाद 5-4 दिन बाद कितने बाबा जी ने गल हुई उन्हें यार बाबा जी का विचार यह कि बहुत लोग ने जिन्होंने बहुत पैसे दिए कार सेवा वास्ते गुरुद्वारा साहब की उसारी वास्ते हजारों के बच्चे दिते है लखा के बच्चे दिते है पर जिहड़े बंदे ने ढाला दिता ना 5-10 वाला वो बेचारे की किन्नी दिहाड़ी होगी किन्ने को कमाउंदा होगा कहिंदे मेरी इच्छा सीगा भी इस गुरद्वारा साहब के विच कितने ना कितने ये 5-10 रुपये जरूर लगे सो उही उस भावना वाले मैं गल कह रहा कि आप कोई इस तरह का जरूर प्रबंध करिए कि साढ़े भी एक 2-2 रुपये है जोड़े वो योजे कारजा के बच्चे जो पेंदे रह तो थोड़ा जहा प्रबंधकों को भी सौख हो जाती है सानू भी थोड़ा जहा माण होगा कि असी किसी प्रोजेक्ट का किसी मानमत प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं अणखी साहब दल बहुत हो चुकी ने मंच में वो तो गल कर लग गई बहुत पुरानी सांझ सी जो उन्होंने दिल गुरदा से उन्होंने नाल ही सी किमें एक निके जे बच्चे किमें एक छोटे जे लेखक बुड़ियाना किमें एक छोटे जे मंच तो व्डे मंच तक लिजाना हजारा उदाहरण ने उन्होंने वर्गा नहीं कोई बन सकता और एक आखिरी गल कह के मैं थोड़े तो विदा लवाना कि आप लेखक होने बारे उन्होंने नावलकार होने बारे उन्होंने गल्पकार होने बारे उन्होंने बहुत अच्छा इंसान होने बारे बहुत सारिया गल् कर और मैं लगता कि जिडे वो व्यक्ता से ना वक्त दे कि अज तो जोड़ा आने वाला वक्त अज तो जो 10 साल बाद आने वाला अज तो 20 साल बाद आने वाला अज तो 30 साल बाद आने वाला मैं हैरान हो जाता जो तुम उन्होंने नावल भीमा पढ़ा और जड़िया समस्यावान दी अच्छ गल कर रहे हैं
मतलब उदा केसरा राम जी को पता होगा, चौहान साहब को पता होगा कि किन्ने साल हो गए उन्हें नॉवल छपे जिहड़ियां गल्लां भीमां च करके वह जदों कि अक्सर जदों उन्हां दे नावलां दी गल हुंदी है तां आपां कोठे खड़क सिंह ते दुल्ले दी ढाब इत्थे आके खड़ जांदे आ, पर मैनूं इन्हां दोनों नावलों तों ज़्यादा वधिया नावल उन्हां दा भीमां लगदा। पर मैं तुहानूं बेनती करूँगा उन्हां दे बारे विस्तार नहीं दिंदा कि उह नावल जरूर पढ़ो तुसीं ते तुसीं देखो कि उन्हां दा दिमाग आ जिहड़ा ते उन्हां दी बिरती है जिहड़ी उन्हां दी सुरती है वह कित्थों तक पहुँच गई सी। सो एक बार फिर डॉक्टर क्रांतिपाल ते उन्हां दे समुचे परिवार वालों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी आया, बहुत सोहना समागम सी, सानू भी बहुत अच्छा लग्या, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कमाल दी गल्लां कीतीआं। बाकी वह भीमा नावल जरूर पढ़न वाला जानकी साहब का एक जवाब सीगा किसी वड्डे लेखक नूं, उन्हें कहा सी पंजाब दा की हुण इत्थे तां भईए आई जांदे तां उन्होंने वह भईआं दे विच्चों जिहड़ी गल कढ़ी है उस नावल का जवाब आ पढ़ो। मैं भी वह गवाह आया था, मेरे नाल उदों 8-9 दिन वह सर्वे वर्क जिहड़ा कीता सीगा क्योंकि मैं एफसीए दे विच बतौर मैनेजर रिटायरमेंट 514 वर्कर बिहार के भईए मेरे को मजदूर सी जी लेबर दे विच, तां उन्हां दे घरां च जा जा के उन्हां नाल सर्वे करके उन्हां दीआं गल्लां सुन के कुछ लिख लैंदे सी कुछ सुन लैंदे, उन्हां च विचर के उन्हां दे कमरिआं च बैठ के फिर वह गल नावल दे विच आई जदों पढ़ के ते उन्होंने पूरे नाव जदों मुखमंच मेरा भी धन्नवाद लिखा होया उस नावल च क्योंकि असीं काफ़ी विचरे उस नावल दे सर्वे वर्क लई ते वह नावल बहुत कमाल इन्हां दी गल बहुत वधिया। हुण मैं उस बंदे नूं पेश करन लग्गिया जिहड़ा मैं समझदा कि अणखी साहब बरनाले दे विच उन्हां दा जदों नावल लिखदे सी तां प्रकाशक उन्हां दा नावल लैण लई बेताब हुंदे सी वी इहदी रॉयल्टी मैं दूंगा मैं छापूंगा, कई प्रकाशकां दी मंग हुंदी तां उन्हां तों बाद जेकर कोई लेखक बरनाले च है कोई बाकी सारिआं नूं पैसे दे के छपाउणा पैंदा पर हुण उह बूटा सिंह चौहान है जिहदे नाल प्रकाशक मगन उस पैर च पैर धरदे हुए बूटा सिंह चौहान नूं बेनती करदा कि मंच ते आ गया। सत्कार योग केसरा राम जी, मेरे मित्र कुमार जगदेव जी, मेरा छोटा भाई मनजीत सिंह जी, भारतीय अकादमी जी ते होर जिन्ने बरनाले दे लेख कलसी जी बड़ी दूरों आए ने गोहां साहब अणखी साहब बारे तां मैं जिन्ना मर्जी बोल जावां उन्हां नाल 35 साल इंतजार मिला मेरे समा मिले जे एक दर्जियां दे बूटे तों मैं बूटा सिंह चौहान बने तां उहदे विच बहुत वड्डा योगदान आप सी। मैं उन्होंने तो बहुत कुछ सीखा जो मैंने उन्होंने रस्ते दिखाए मैं उसे इमानदारी नाल चलिया चल के मैं बहुत कुछ खटिया उन्होंने जीवन जाच बहुत सी जीवन के सारे पक्षों का उन्होंने पता सी उन्होंने जिस किसी लेख के दिल आ जाता सी आप तो छोटे थे जिन्हों के बच्चे अकड़न पाने है ही कुछ नहीं सी उन्हें उदों भी नहीं सी पर जिन्होंने उन्होंने पछाणिया तो अज उन्होंने सब की पछाण अमृता प्रीतम से राम सूर पंखी के एक मिनट मैडम उन्होंने एक सांझ है जे अमृता प्रीतम किसी नवें कहानीकार की कहानी छाप दी सी उस आदमी उस कहानीकार संभावित कहानीकार के तौर पर वेख्या जाने लग पैंदा सी ते राम सूर पणखी ने जिन्हां दीआं कहानियां पहली बार छापियां कहानी दीआं
वो सुभावी कहानीकार ही नहीं बने उन्होंने मतलब उन्होंने एक तरह का उन्हें सहयोग किया तो वह अज कहानी के चर्चे चेहरे जा सारा उदाहरण थोड़े सामने बैठे ढाहा पुष्कर जितेंद्र हांस ढाहा पुष्कर रणवीर राणा राजेंद्र सूर्यवालिया पढ़े नाम उन्होंने छोटे लेखकों सहयोग देने की नीति ने कहानी के अणखी टरसाल पैदा कर उन्हां दी जो चोण सी एक वक्रे तौर पर वक्रे वो दिंदे सारे कहानी मैं ये भी देखा कि जिहड़े साडे इत्थे बनाले दे लेख जिहड़े समझदे सी कि साडे कहे तो ही गल अगे तुरदी है साडे कहे तो ही गल पिछे मुड़दी है उन्हां वल्लों उन्हां दा निरंतर विरोध भी मैं देखा जिन्हां लोगों के पैर नहीं सी उन्होंने भी अणखी साड़ा पैर वाला बंदा सी उहदी विरोधता कीती उह विरोधता दी उन्होंने अंतम हद उदों कीती जदों उह इस दुनिया ते ना रहा कईआं ने कहा जी तां अशीर लिखदा ये तो जी बकाऊ लिखता है अणखी तो चार पैसे दे कुछ भी लिखा लो जी पर उन्होंने नहीं की कहानी पंजाब की शुरुआत जी है उन्होंने जो तुम सारे उन्होंने मदद की जिन उन्होंने कहा या मदद योग समझिया उन्हें सारे ने मदद की मैं तकरीबन भी शहर उन्होंने नाल गया चंदे लैन वास्ते उहदे विच जलालाबाद भी शामिल गिदड़वाहा भी शामिल बठिंडा भी शामिल जैतो भी शामिल दूर दूर तक सी वह पर इन्ने धुंदे पक्के सी उन्हां दा कोई भी पेपर लेट नहीं हुआ प्योंतबंदी यह सी जदों वह एक पेपर कढ के पोस्ट कर दिंदे अगले की ब्यौतबंदी उस वेले चालू हो जाता पिछों तो यह भी हजे ना वो मतलब महीना रहा हों पहला जो कहानी पंजाब से पाठकों के घर तक जा रहा बड़े हिम्मती से ये मैं गल कर रहा ताकि पता लग सके एक रस्ता मिल सके वो इतने पिछली उन्होंने सर्विस जी सी सरकारी हाई स्कूल जिहड़ा साढ़े लड़कियां वाला है उत्थे हैडमास्टर उन्होंने जिन्हें भी आए बड़ी कदर करते उन्होंने कदे भी हैडमास्टर उन्होंने दोस्ती का नजायज फायदा नहीं उठाया कदे भी छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने एक ही मंग होती हैडमास्टर को वो कहते जो सर्दी होंगी भी तुम मैं जोड़ा मेरा दूजा पीरियड वो मैं तुम दूजा पीरियड वेला रखा क्योंकि वह डाकखाने जाने उन्होंने हमेशा कमीज के दो जेबा लगे एक दे कार्ड एक लिफाफा उन्होंने जिन्हां प्रशंसकां दीआं चिट्ठियां आउंदीआं वह डाकखाने च उन्हां दी डाक आई पई होंगी उत्थे ही पढ़ के उत्थे ही जवाब दे के उहदी वेले होके आ जाए तो मैं गल उन्हें सीखी तपे रहा मैं ये गल नई तो जो कहते जोड़े लेख डाक ही नहीं कढ़ सकते रोज़ ही रोज़ कि फिर किन्ने हिम्मती सी लिखने जो जगबाणी के मैं तो बोलांगी उन्होंने एक कॉलम शुरू किया जो लेखकों दी पत्नियों बारे तो मैं उन्होंने को एक बार ठहरिया तो तड़के वह सुबह चाह जी सी तड़के बनाते होंगे उन्होंने पत्नी शोभा जो मैंने बड़ा पुत्ता वाग प्यार किया उन्होंने वो जल्दी नहीं सी उठते अणखी साहब आपकी चाह बना उन्होंने चाह बना सराने धरके जला के चाह पी उन्होंने मर्जी होंगी उठ खड़ती नहीं उठती नहीं
कोई गल तो जदों मेरे को 6:30 मेरे को जगा आए मैं भी लै बुटे चार पे फिर बना के मानकी साहब की लिख लिया मैं पता नहीं तरक्की लिख लिया वो कहता मैं अज तीन लेख ही झट चुके मतलब मैं तो बोलांगी जी तीन मुलाकात लिखती है कौन लिखता अच्छा उन्होंने उदों इन्ना काम किया जदों डाक का जमाना सी साडे वर्गे इन्ना काम इंटरनेट के युग च नहीं कर रहे जदों उन्होंने हरेक जानकारी लैण वास्ते जाना पैंदा सी इस तरह जो मर्जी कढ के देख लो ते फिर वो किवें कहानी लिखते सी मैं उन्होंने एक गल दसी ते वो बड़े सुन के इंस्पायर होए मैं कहना यार मैं उत्थे लेके जा गल की सी अच्छा जब मैं ज़्यादा बोला तो मैं कह दो मैं हट जाऊँगा तुसी मेरे अपने की होया मेरी ट्रक यूनियन के कोल दुकान सी तबादला ते मैनू एक होटल वाले ने दसिया जिहड़ा कि राजस्थान दा सी सुखदेव राम वो कहता बूटा सिंह यार एक बारली औरत आई है तो ट्रक यूनियन के ड्राइवर खराब करी जाते तो मैं सुखदेव राम को लिजा के एक साढ़े उत्थे मार्केट का मुखी हुंदा सी ताया हरी राम मैं जगह मैं ताया तू चल जा भी कितने कोई साढ़े ना धक्का ना कर तेनू देख के किसी ने कुछ नहीं करना वो जी 10-12 ड्राइवर से असी उन्होंने वह औरत छुड़वाई तो छुड़वा के फिर मैं वो सवाल हूँ ये पैदा हो गया भी वो औरतों रखिए कितने तो मैं एक किराए 50 रुपये किराए के चुबारे चाहता सी तो फिर मैं इतों को थानेदार वर्दियाँ समाता हूँ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਹ ਬੈਂਚ ਪਿਆ ਰਜਾਈ ਗਰੇਲਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੁੰਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤਪੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਲ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਧੌਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਰਲ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਰਤੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ 9 ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਵਾ ਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਓਗੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਇਹ ਬੱਸ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੱਪੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਧੌਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜੜਾ ਵੀ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਜੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਖ ਕੇ ਬਣਨਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਏ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਖ ਲਏ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਏ
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਉਜੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੱਡਾ, ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਧੌਲਾ ਬੈਠਾ, ਬੇਅੰਤ ਵਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਤੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਚਨੋਕ ਨੇ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੇਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੂਡੋ ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, 180 ਪੇਜ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਇਆ ਮੈਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਪਾਏ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਗਊ ਵੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਊਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਛੀਆਂ ਹੀ ਬੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਛਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੱਛੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਫ ਰਫ ਮੇਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੜਾਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੰਡਿਆਈ ਬੀਜਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਪੀ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਯਾਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਫ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 800 ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਈਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਛੱਡ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 800 15 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮ ਗੋਰਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀ, CPI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਲਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਵਾਤੀਆਂ, 2 ਬੋਰੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਵਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਵਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਉਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੌਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 4 ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਲ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਹ ਦਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਪੀਕਰ ਦਾ, 9000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ 10 ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਦਲਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਬੋਲਣ, ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਰੀਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਧੌਲਾ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿਣਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿਣਗ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਮ ਸਮਣ ਕੀ ਸਹਿ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਮਨਾਹਰ ਗੋਸਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕੇਸਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਸਨਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗ ਮੰਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ,
मैं तो दरअसल गल्लां बातां सुनन आया सी इस मैगजीन जो मैटर छपया है ते इत्थे सारा सीन ही बदल गया। फिर भी दो गल्लां मैं इत्थे जरूर करना चाहुंदा। बहुत गल्लां जो होईयां ने सारियां लगभग इन्हां दा गवाह मैं रहा, क्यों सन 2000 दे आस पास पहला गुरमेल मराड़ और ने संगरूर तो अड़की साहब नाल मिलाया सी। और जिद करते होंगे सी भी तू भी लिखिया कर, पढ़ता ही पढ़ता रहना है, इन्ने नावल इन्ने कहानी सारा कुछ पढ़ी करना है, तो थोड़ा बहुत लिखिया कर। भाई की हाँ कहते फिर फिर एक बार अड़की साहब को लैके आए इतने जिम्मे बच्चे मेला दिखाने लैके जाते होंगे हैं, कहते अड़की साहब को ना कुछ मैगजीना होर ने हिंदी दिया उन्हों को तू लिख लिया एड्रैस तो वह भी नाल पढ़िया कर, तो उस लिखना शुरू करेगा। इतों शुरुआत हुई थी पहली कहानी जो मैं लिखी वह भी इसे मैगजीन भेजी सी। अड़की साहब भुल गए भी कोई मुंडा इतों एड्रैस भी लिख के लै गया से मैगजीन के, तो उन्होंने कुछ गिनवे चौनवे चार पाँच मैगजीन के हिंदी वाले एड्रैस लिखवाए थे। कैगजीन देखे मेज के थले एक होर हिंदी है ना उस वाह मैगजीन होर पे से क्या उधर ना दे जे कस योगा होया तो वह तो तेरे को आप आ जाए इन्हों के चलते भेजते जो वे वे मैगजीन सी हंस कथा देश समकालीन भारतीय साहित्य वगैरह। उस तो बाद जो पहली कहानी लिखी मराठ साहब ने माइक मड़ा सामने ये भी उन्होंने भेजो अपने कहानी पंजाब में मैं एड्रैस दे दूँ ना इतने भेज दो। जो कहानी इन्होंने को पहुंची तो उन्होंने फोन सरूर का एड्रैस से मेरा तो सरूर फोन गया मराठ साहब को गया कहते कोई सियाने के बंदे की कहानी आई है सरूर तो कौन है कहते नाम की है नाम दसिया केसरा राम कहते सियाने का बंदा नहीं अपना मुंडा ही है उ है जरा क्योंकि 25 किन्ने हाँ 25 साल पहला की गल होगी 22-23 साल पहला की गल है तो कहते उ है जो एक बार थोड़े को एड्रैस लेके आए थे। फिर कहते चलो मैं जो संगरूर आया ना मुंडे ने मिलवाई जरूर यार कहानी वही है राम कृष्ण नाम स्टेट हाजिर होना नहीं सी पहली कहानी मेरी तो इसे ना किताब छपी। तो इस तरह दलां जब उस तो बाद सारा मैं देखा है चंदा लैन जाते होंगे सी कि होर गल जो संगरूर आते तो मैं जरूर बुला लेंगे चाहे कितने भी आन तो उत्थे असी ये गल्लां बातां सारियां बहुत सुनिया। तो एक गल कहते होंगे दो गल्लां करनियां मैं सिर्फ छोटे छोटे वो कहते होंगे अपने ना पंजाबी वाले पढ़ते घट ने यार ये बड़ी प्रॉब्लम है मैं किवें दी कहते जिवें हुण मेरी कहानी कितने छपती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती चुप चा वापरी हो मैं उड़ीकदा ये सोच के यार नदी वाले की कहानी लिखी है वो गल नहीं होंगी। फिर कहते उ कहानी जो हिंदी चली जाती है ट्रांसलेट होकर उधर चर्चा शुरू होती है फिर कहते अच्छा कि कहानी से यही ना से फिर वो पंजाबी लभ के उन्होंने पढ़ते तो कोठा खड़ग कोठे खड़ग सिंह की बार बार गल हो रही है ये हिंदी च गया होर भाषावान च गया कि कुछ गया बड़ा मशहूर होया तो पंजाबी भी असी लोग जो चर्चा हूँ कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं। तो मेरी गल थोड़ी जी शुरुआत कुमार सिंहदेव होर ने की है कहते भी भीमा हूँ वो गल चलेगी वो चलेगी इस तरह कि वो होर भाषावान हमने हमने जा चुका है बल्कि अपने हिंदी तो शायद वह दूजा एडिशन भी आने वाला है ये अपने पंजाबियों हाले नहीं पता लगता बिहारी एक्सप्रैस का ना है वो तो यह होर भाषावान भी जा रहा है तो फिर ये इधर भी गल किरिया करूँगी। तो यह ना कई बार बड़े जो हूँ देखा जाए तो जोड़े लोग गीतों वर्गियों करके गए से गल इनकी जी है सदियाँ चलने वाले लंबी रेह के घोड़िया जी है वो कहानी इस तरह ही होती है। तो दूजी गल जी है क्रांतिपाल होरी कहते भी है कि मैगजीन पहला भेजा कुछ टाइम महीना डेढ़ महीना ताकि उत्थे जिहड़े अपने बंदे रिलीज करने वास्ते इकट्ठे होंगे वो इस विचले मैटर बारे भी गल्लां बातां कर लैंदा। ये मैं भी सोचता सी क्योंकि हुण समा बदल गया जब आप ये कहने भी अड़की साहब चंदा लैन जाते होंगे सी या ये करते सी हुण क्रांतिपाल चंदा लैन नहीं जाता ये आपां सारयां नूं पता है पर क्रांतिपाल एक साल लगातार मेहनत करता है इस विचले मैटर नूं इकट्ठा करदा एक दमदार मैटर होवे विचार धारक पक्खों भी पूरा साउंड होवे सोलिड होवे वो चीज़ इकट्ठी करन वास्ते पूरा एक साल दिन रात मेहनत करता है। तो यह जी थां ते
बैठा है जिथे अदीब लोगों का मक्का है एक किस्म का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत विद्वान लोग उन्होंने डिस्कशन होंगे ने और गलबात होंगी है तो उतों की कहानियाँ तुम देखो होर लेख देखो इस विषय किमें चुने हुए हैं पिछला नावल जिस दिन मैगजीन आया उस रात मैं शाम को खेत गया हुआ सी शाम आया मैगजीन आया तो देखा मैं नावल पूरा चलो पढ़ गया रात सारा रात ला के मैं नावल पढ़िया सवेरे सवेरे उठो सात क्रांति बार मैं फोन किया कहते पढ़ भी लिया रात तक जी हम मैगजीन आ गया जी मेरे को मैं रात यही काम किया है तो मैं बूटा सिंह चौहान तक उसने आप पहुँचा दौ बी उन्होंने नावल ये पढ़िया भी जाऊगा तो चर्चा भी होगी ये तुम इस पक्षों कामयाब रहे नावल चाहते बाद सामने है जी उस नावल में पब्लिशर ने भी मंगया है तो वह पढ़िया भी गया है तो अपन पढ़ भी थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए तो जो पढ़ा तो सूँ होर नज़ारा आता बहुत वधिया गलत कर बहुत मज़ा आएगा यही दो गल बाकी देखो जिन्ने ध्यान न जिन्ने प्यार शुरू तो लैके आखिर तक सारिया गलों बात आप सुन रहे हैं यदा मतलब है कि तुम इतने वास्ते ही बड़े हुए हो इतने आने वास्ते यहोजे थानते योजना सभावान च आने वास्ते थोनों रब ने भेजा हुआ है अपना आप ही स्पेशल अदरवाइज इन्ना टाइम इतने इस तरह दलों बात जी किसी तो मैं देख रहा किसी ने उबासी नहीं ली यदा कारण यही है भी तुम ठीक ठाक तो अज का टाइम जोड़ा है वो पास किया है ये कीमती समा तुम बिताया है तो इन्ने सस्ते इन्ना महंगा टाइम थोड़ा कित मिलता हो खरीद लिया करो लै लिया करो ये पैसे नहीं लगते कोई चेक नहीं कटना पैंता कोई पेटीएम नहीं करना पैंता ये बड़ा तुम अभी जो है ना चंगा टाइम बिताया सूँ बड़ा चंगा लग्या भी जिन्हें बंदे इतने आने चाहिए से वो सारे आए हैं आराम गल बात आप जिस मकसद के इकट्ठे हुए थे उस विषय से कीतिया ने तो इस आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। अज कहानीकार सुजीत ने भी आना सधानगी से उन्होंने रात ढाई बजे उन्होंने कोई रिश्तेदारी प्रॉब्लम हो गई उन्होंने जाना पै गया इस करके वो नहीं आ सके सो उन्होंने असी हाजरी हाजरी मानते उन्होंने साढ़े विचार बाकी इन्हों इसरा राम जी की जी कहानी संग्रह जनानी पौध जिसनों ढाहा पुरस्कार मिलया 25 लाख का वो मैं बेनती करूँ तो सारे अगर अजिंह किताबा लैके जरूर पढ़ा करो ताकि पता लगे भी इस तरह दिया कहानियां किहोजियां ने जिन्हों एडे एडे नाम मिल जाए ये साहित्य अकैडमी तो भी वड्डा अवार्ड है प्रकाशन दसो नवजुग बरनाले भी अपने दूजा एडिशन भी आ गया बाकी गुरसेव कतौला जी ने धन्यवाद करना सी पर मेरे को है कि तुम ही कर दो कहना तो मैं बहुत कुछ सी ए मैगजीन बारे भी बोलना सी पर मैं आपका समा हूँ मनफी करता टाइम बहुत हो गया क्योंकि ये बहुत वधिया मैट रफ रफ मेल कहानी पढ़न वाली अब्दुल बिस्मिल्ला की लिखी कहानी जी असी जदों डलहौजी गोष्ठी पर जाने राम सू पणखी के नाँ पर और गोष्ठी होंगी है इन्होंने नाँ तो होने लग गई पहले अणखी साहब खुद उत्थे करवाते उसके विच दस्या नहीं जाता भी कौन कौन आ रहा बड़ा गुप्त भेद रखा जाता है अजक केसरा राम गुप्त भेद रखता किड़े किड़े बंद लैके जाना कन्वीनर है डलहौजी कहानी गोष्ठी का वो फिर मौके पर ही दसदा भी तैं जाना भी तैं जाना फिर उत्थे कट्ठा होंगे सारे हिंदुस्तान को चोटी के कहानीकार पहुँचते हैं उत्थे पता लगता भी कहानी की है तो बंदे जो कहानी पढ़ते मैं भी एक बार पढ़ के आया तो डर लगता भी हूँ मैं कहानी पढ़ूंगा भी पता नहीं किहोजी टिप्पणी आऊगी वो बंदे जिहड़े माहर बैठे उत्थे बाहरों जिहड़े आउंदे ने कहानी च बोलण वाले अब्दुल बिस्मिल्ला वर्गे उन्होंने कहानी का अनुवाद बूटा सिंह चौहान ने रफ रफ मेल वो शामिल है होर भी भाषावान दहानियां उड़िया की तेलगु की मलयालम बंगाल बंगला यह सारिया कहानियां ने जिड़िया पंजाबी अनुवाद करके छापिया भीषम सानी बहुत बड़ा लेखक है बलासानी के भरा सी बड़ा वाला कहानीकार नावलकार है
उर्दू के भी लिखता जिन्होंने फिल्मों की स्टोरियां लिखी वो बंदे की एक स्वय जीवनी है अपना एक भाग है जोड़ा जसविंदर बीनू का अनुवाद किया मेरा अपने क्रांतिपाल की वाइफ का उन्होंने भी सीनियर फैलोशिप मिली है तो मंच वालों असं उन्होंने भी बधाई दें होर भी बड़ा वड्डा मैटर जिहड़ा है एक करनैल सिंह पार्थ कविशक दो नाम पंजाब दे विच वड्डे ने सोहन सिंह सीतल का नाम जो लैंदे आ तां ढाडी परंपरा का एक सरमौर बंदा साडे सामने आउंदा ते कविश्री का जदों असीं नाम लैंदे आ तां करनैल सिंह पार्थ दा नाम सामने आउंदा ते उहनां दे बारे सीरत नगारी नाम के तहत जिन्हों आप रेखा चित्र करैक्टर स्कैच शब्द चित्र कुछ भी कह लो वो सीरत नगारी जोड़ा है वह बहुत बड़े लेखक का पंजाबी कहानीकार जो कि साढ़े को वरियाम सिंह संधु ने वह चित्र जोड़ा पेश किया उन्होंने बड़ा मुलवान बड़िया वजिया गल् वोत हुई हटके लिखा हुआ बहुत वजिए छंदाबंदी भी वो तुम पढ़ोगे बड़ा संतुलन हैगा वो बाकी जंगे आजादी बारे संवाद है 1857 तो लैके 1947 तक भी मुसलमाना का की रोल रहा आजादी के जी समय की लोड़ भी है वो प्रोफेसर मुहम्मद सजाद वालों लिखा एक होर जरा भगदा मसला अजक मनधीर सिंह वालों बंदी सिंह की रिहाई ये बहुत वधिया आर्टिकल है कित्थे कित्थे वो बंदी सिंह अजकल जेलों के बंद रहे और क्यों लोड़ पै रही है उन्होंने बारे जोड़ा एडा बड़ा संघर्ष उठा हुआ उन्होंने रिहाई का वो ये मसला लेके आता इस तो अलावा इतिहासिक बोध जोड़े बच्चे कंपीटिशन की तैयारी करते हैं उन्होंने भी मैटर पाया होया जिहड़ा IAS PCS दे विच कम आउंदा है इतिहासक बोध वह भी अंजनी कुमार वालों लिखे गए लेख ने शहर झुग्गियां ते किरती वर्ग इस तरह के इतिहासक बोध नूं भी शामिल किया है तो मैं समझदा है कि केसरा राम का जिहड़ा नावल है गुड्डो 180 पेजां दे विच वह भी इहदे विच शामिल है तो जेकर वह कल्ला नावल ही देख लीए तो मेरा ख्याल है भी उम्र मोड़ दिता है बाकी चीज़ा तो फालतू जी अपन बोनस मिल रही है इस करके नावल अंक जरूर पढ़ने वाला अंक है सामने योग भी है क्योंकि ये क्रांतिपाल की सोच है कि जो छोटे छोटे मैगजीन आप कई बार रख के भुल जाने जो 400 पेज का अंक है इन रख के भुलेंगे नहीं बल्कि अपनी लाइब्रेरी की अलमारी के टिकावे किसी वेले भी कम आ सकता है बच्चे खोज कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं पढ़ रहे हैं उन्होंने वास्ते भी बहुत बड़ा लाहेवंद है सो इन गल् करता हो मैं थोड़ा सारे तो जो बुलाया असं संपादकी बारे मैं पहले दस चुके हैं कि देवाद के बारे जो लेखक लिख रहे हैं उन्होंने उत्ते बहुत बड़ा प्रकाश है भी योजा साहित्य सू चाहिए नहीं कला के तौर पर जो मनोविज्ञान है ज औरत दे मर्द दे संबंध ने उन्होंने उस ढंग ना लिया जाए जिहड़े गैर कुदरती रिश्ते गैर समाजिक रिश्ते समाज के बन रहे हैं उन्होंने तो लेकिन सुचेत होने कहा गया भी तुसी ओहे जे रिश्ते ना वारो पशु समाज तो असी मनुखी समाज बनाया हूँ फिर पशु समाज बनाओ पर पशुओं के भी कोई कायदे कानून होंगे ने पर बंद तो वह भी नहीं रहे तो यहोजी गल्लां वल ध्यान दवाया क्रांतिपाल ने बहुत कमाल की संपादकी है तो वह जो तोड़ा है सारा वो वाल प्रेम प्रकाश जो उत्ते खिंचया गया तो वो गोदी च बैठे हो लेखा के उत्ते बैठा जेड़े जिन्होंने वह यह जी गुड़ती दे के कहानियां लिखवा लिखवा के लकीर के छापता रहा तो वो उत्ते पूरे का पूरा ही व्यंग है तो पढ़ने वाला है ये भी कहते तो चर्चा ही बहुत हुई सी पहले ही मैं गल करी सी शुरू तो ते और ज़्यादा समा ना लेता हो बाकी कहानी पंजाब जिन्हों को नहीं पहुँचा
ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤਿਲਕ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਾਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਕਲਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।